नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान एवं सूचना में अंतर। मैंने पहले आपको ज्ञान और विश्वास में भी अंतर बता चुकी हूँ, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा, क्योंकि हमने टॉपिक में सूचना के विषय में पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको ज्ञान और सूचना में अंतर बता रही हूँ। जैसा हमें पता है कि ज्ञान और सूचना में बहुत ही बारीकी, जो ना कहते हैं कि हम बहुत गौर से देखने पर हमें उन दोनों में अंतर स्पष्ट मिलता है, क्योंकि हम कई हम ये चीज़ सोचते हैं कि ज्ञान जो कि उसकी परिभाषा में था कि सूचना है, लेकिन हमने ये अंतर स्पष्ट करने के लिए इस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि ज्ञान और सूचना के अंदर मध्य जो अंतर है वो क्या पाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ज्ञान होता है जो सूचना से बनता है, अर्थात सूचना को तो हम परिवर्तित करते हैं, यानी कि ज्ञान हमारा सूचना हम उस विषय से संबंधित लेते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सत्य हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है, वो हमारा ज्ञान होता है। अर्थात सूचना में हम उन सारे संदेशों को लेते हैं, उन सूचनाओं को प्रमाणित करने के कार्य करते हैं। अगर देखा जाए तो ये ज्ञान की प्रक्रिया हो जाती है सूचना। हम उसमें सूचना में पूरी तरह से ज्ञान को अंतिम ज्ञान, जब हम ये सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो ज्ञान तक पहुंचाने के लिए उन सूचनाओं का हम अंतिम रूप दे देते हैं, वो सत्य प्रमाणित कर दिया जाता है, इसीलिए वो सूचना का रूप ले लेती हैं। यही है कि ज्ञान और सूचना में अंतर जो है, मैं आज स्पष्ट करूंगी कि ज्ञान और सूचना में अंतर क्या है। अगर सबसे चीज अगर हम देखें सूचना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखें तो इसमें यही है कि जो हम सूचना जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो प्रक्रिया हम करते हैं उसमें हम जो मूल्यांकन करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, यानी प्रक्रिया हमने की, हमारा मूल्यांकन यानी हमारा रिजल्ट जाके हमारा ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें कही जाती है कि ज्ञान जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम पूरी तरह से सारांशित, यानी सूचना को हम सारांशित करके हम ज्ञान में जाते हैं, कि ज्ञान हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि ज्ञान के द्वारा हमारी सूचना बनाई जाती है, ज्ञान के आधार पर ही हम हमारी सूचना बनाते हैं। तो आज जो है वो है हमारा ज्ञान एवं सूचना में अंतर। तो प्रथम चीज हम देखें कि ज्ञान क्या है, तो हम यही चीज सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञान का क्षेत्र, अगर हम इस तरीके से देखें सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ज्ञान का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन सूचना का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। सूचना का क्षेत्र सीमित होता है, इसी का ही पार्ट होता है सूचना। हम सूचना उससे संबंधित लेते हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान होता है उसके लिए हमें विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं, या कहा जाए तो इस सूचना के बाद हम जो उसका ज्ञान बनता है, इस ज्ञान को हम विभिन्न भागों में काम में लेते हैं। तो इसमें कहा है कि ज्ञान एक व्यापक क्षेत्र है, उसका बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा सूचना है वो कैसा होता है, हमारा सीमित होता है। अब हम देखें कि जो हम ज्ञान के लिए हम जो आंकड़े लेते हैं वो आंकड़े कैसे होते हैं, हमारे हमेशा सत्य होते हैं, यानी कि ज्ञान के आंकड़े सत्य होते हैं, लेकिन सूचना, हम जिस विषय के बारे में सूचना ले रहे हैं, हो सकता है कि वो जो सूचना ले रहे हैं वो आंकड़े हमारे असत्य भी नहीं निकल सके, यानी कि यहाँ तो सत्य होगा क्योंकि यहाँ तो हमारे पास प्रमाणित होके जाता है, क्रिया होके जाती है, तो यहाँ तो पूरी तरह से जो मैटर जाएगा वो हमारा सत्य जाएगा, लेकिन जब हम सूचना के लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आंकड़े हमारे सत्य निकले, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ जब अगर हम ज्ञान में देखें तो ज्ञान में तो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो सूचना में होती है, और प्रक्रिया तो हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, जरूरी नहीं हमारी सारी प्रक्रियाएं सक्सेस हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो सूचना में हम जो आंकड़े लेते हैं वो आंकड़े सत्य नहीं
वह असत्य भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, यानी कि कुछ सत्य और कुछ असत्य। अब हम देखें कि जो ज्ञान होती है, ज्ञान में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी हम परीक्षण करते हैं, इसमें ये हमारा परीक्षण किया हुआ होता है, जो हमारा ज्ञान है वो परीक्षण किया हुआ होता है, ज्ञान परीक्षण किया हुआ होता है। अर्थात यहाँ पर जो ज्ञान लिए हैं वो पहले से प्रयोग में लिए हुए, उनको काम में लिए, कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करे हुए होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज हम करके देखते हैं प्रक्रिया के बाद में, तो यहाँ प्रमाणित परीक्षित पहले से ही प्रयोग में उसे पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होती है, ये हमारा ज्ञान में होता है। लेकिन जो सूचना होती है हमारे, वो सूचना में हम क्या करते हैं कि सूचनाओं का संबंध, सूचनाओं का संबंध, संबंध ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से होता है, ज्ञानेंद्रियों से होता है। यानी कि हम परीक्षण भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि कर्म करते हैं हम किसमें, सूचना में। यहाँ तो हम सिर्फ रिजल्ट लेते हैं कि ये हमारा विषय था, ये हमारी सही है, लेकिन जो सारी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हमारी सूचना में होती है। तो सूचना में जब हम प्रक्रिया करेंगे तो उस प्रक्रिया में किसका समावेश होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियों का, पूर्ण तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी कर्मेंद्रियों बनके हमारा कार्य करती हैं। तो इसमें बताया गया है कि सूचनाओं का संबंध ज्ञानेंद्रियों से होता है। हमने देखा कि हमें जो कहते हैं हम स्वाद, हमने भोजन किया, हम खट्टे मीठे का जो स्वाद बता रहे हैं, हम स्वाद बता रहे हैं उस चीज़ को कि ये खट्टा है ये मीठा, वो तो अंतिम रूप हमने ज्ञान में ले लिया, लेकिन वो खट्टा क्यों है, किस कारण है, तो वो यहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बताएंगी। यहाँ परीक्षण कर लिया हमने कि खट्टा है या मीठा है, लेकिन जो उसके बीच में होने वाली प्रक्रिया है वो सूचना के अंतर्गत है कि ये चीज़ खट्टी क्यों है, ये चीज़ मीठी क्यों है। तो कहा जाता है कि जो हमारी सूचना है, सूचना में हमारे किसका संबंध होता है, ज्ञानेंद्रियों का संबंध होता है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, हम कहेंगे जो विभिन्न प्रकार की हम जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं वो किसमें करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम ज्ञान को खोजने के लिए। यानी कि अगर हम कहें तो ज्ञान को खोजने के लिए, ज्ञान को खोजने के लिए, या हम कहें उसे प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम खोजने के, खोजने का प्रयास करते हैं। किसमें करते हैं, हम सूचना में, ज्ञान को खोजने का प्रयास हम सूचना में करते हैं, क्योंकि हमें किस तरीके से प्राप्त करना है ये हम देखते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान होता है वो क्या होता है, हमारा ज्ञान हमेशा हमारा यहाँ पर सारभूत होता है, यानी कि उसका पहले ही निष्कर्ष हम उसका इसके आधार पर सारभूत कर लेते हैं, निर्णय निकाल लेते हैं, या हम कहें तो संश्लेषित कर लेते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ प्रक्रिया करेंगे, जब हम प्रक्रिया करेंगे तो हम उसे विभिन्न भागों में बांटेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको संश्लेषित कर लेते हैं, उसका सार भूत यानी पूरा सार निकाल के बताते हैं। प्रक्रिया से हम उसे कहते हैं कि ये प्रक्रिया अगर हम 6 महीने में करेंगे तो हम इसका सार भूत 1 सेकंड में, कहेंगे 1 घंटे में हम ज्ञान में बता सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया, जो कार्य किया है वो तो सारा हमने सूचना में किया है, यहाँ तो सिर्फ हम उसका सारभूत करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं कि इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला। तो कहते हैं कि ये अगर इस तरीके से हम अलग देखें तो कहा जाता है कि ये हमारी एक संश्लेषित प्रक्रिया भी है, ज्ञान हमारी संश्लेषित प्रक्रिया भी है, लेकिन जो हमारी सूचना है, मैंने पिछले आपको वीडियो में सूचना में बताया भी था कि सूचना में हम विश्लेषित करते हैं, यानी कि विभिन्न भागों में हम उसे विभाजित करते हैं और फिर हम उन पर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। ये कहा जाता है इसके लिए, सूचना के लिए। अब देखिए हम कि ज्ञान होता है वो स्थाई होता है, नष्ट नहीं कर सकते, ज्ञान स्थाई होता है, या कहें कि नष्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं,
सूचनाएं नष्ट होती रहती हैं। हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया, वो हमारे पास सेव है, लेकिन हमने वो रिजल्ट किस तरह से प्राप्त किया, जरूरी नहीं है कि वो पूरी पूरी सूचनाएं हमारे पास हो। कुछ सूचनाएं हम कहें एग्जांपल ले लें कि हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, हमने डाटा उसमें एंट्री कर दी, हमने रिजल्ट बना लिया बच्चों का, हमने रिजल्ट को तो एक साइड कर लिया, उसकी पूरी मार्क्स तैयार कर ली, लेकिन हमने जो बच्चों के मार्क्स दिए कि हमारे इंटरनल ये थे इनके, या हमने इनके एग्जाम लिए उसमें ये मार्क्स थे, विभिन्न सूचनाएं जो हम कंप्यूटर में फीड कर रहे, हो सकता है हमारा डाटा वहाँ से हट जाए या डाटा उठ जाए, या कहते हैं कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो कहते हैं कि सूचना जरूरी नहीं है कि जब हम लेना चाहें तो वो सारी सूचनाएं हमें वापस प्राप्त हो जाएं जो हमने बनाई। कुछ सूचनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, कुछ उसमें हमारे सेव हो जाती हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है, ज्ञान क्या है हमारा परिणाम, वो परिणाम हमारा कभी नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि ज्ञान स्थायी होता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारी सूचनाएं हैं, सूचना हमारी नष्ट हो जाती है कि हमने कब किस तरीके से कार्य किया, ये हमारा नष्ट इसमें हो जाता है। हम 6 पॉइंट पे देखें तो जो हमारी सूचना है, सूचनाओं का आधार किस पर होता है, सूचनाओं के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जब तक वो सूचनाएं प्रमाणित ना हो जाएं, या हम कहें वो वैध विश्वसनीय ना हो जाएं, तब तक हम उन सूचनाओं को, हम कहते हैं कि हमको सेटिस्फाई ना हो जाए, हम पूछ ले या हम उसे प्रमाणित ना कर ले, तब तक हम उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन ज्ञान क्या होता है हमारा, ज्ञान को हम हमेशा परीक्षण करके प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान को परीक्षण के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी क्रिया की है, वो क्रियाएं जब हमारी प्रमाणित हो जाती है, वैध हो जाती है, विश्वसनीय हो जाती है, तो उसके बाद में हमको सिर्फ परीक्षण में हम क्या प्राप्त करते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं। तो वो कब होता है, जब हम इन सूचनाओं को प्रयोग में लेते हैं। प्रयोग में कहाँ लेते हैं हम, ज्ञान में, यानी कि जब हम इनका प्रयोग कर लेते हैं तब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम उस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो हम चाहते थे वो हमारा कार्य हो गया। तो कहा जाता है इसमें कि ये हमारी क्या होती है, सूचनाएं तो जब तक हमारी विश्वसनीय नहीं होती है हम उसके आधार पर निर्णय नहीं लेते, लेकिन हमारा ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमको हम परीक्षण के द्वारा उस पर विश्वास करते हैं। अब ये होता है इसमें आगे, ज्ञान कैसा होता है हमारा, जो हमेशा अस्तित्व में रहता है। अगर हम कहें कि सूचना तो अल्पकालिक है, लेकिन जो ज्ञान है वो हमारे कहां पर स्थायी रूप होता है, उसका मस्तिष्क में, यानी ज्ञान स्थायी रूप से मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। लेकिन जो हमारी सूचनाएं हैं, ये अगर हम इसे कहें कि सूचना हमारी दीर्घकालिक होती है या हमेशा स्थायी होती है, लेकिन जो हमारी सूचना अल्प होती है वो हमारी अल्पकालिक होती है, वो कुछ समय के लिए रहती है, या कहें कि वो नष्ट हो जाती है, जैसे हमने काम में लिया कुछ सूचनाएं हमारे काम में नहीं, हम तुरंत उसको इरेज कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में दीर्घकालिक रूप के रूप में उपस्थित रहता है, लेकिन जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं हमारी अल्पकालिक होती हैं, जिसे हम कुछ समय के लिए ही काम में लेते हैं। अब आता है हमारा इसमें कि जो हमारा ज्ञान होता है वो क्या करता है, हमारा अनुभव और प्रयोग बढ़ाता है, यानी कि हम उसको ज्ञान को हम किस में लेते हैं, ज्ञान हमारा प्रयोग बन जाता है और अनुभव, या हम कहें कि अनुभव प्राप्त करा देता है हमें।
करती है, लेकिन हमें हमारा मार्ग दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है, ये हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि इसे तो हम प्रयोग में अनुभव में ले लेते हैं, जब क्योंकि हमारे पास का रिजल्ट आता है, हम इसको अनुभव मान लेते हैं ज्ञान को, कि यहाँ हमने कार्य किया है तो हम उससे कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, अनुभव। लेकिन जो हमारी सूचनाएं होती हैं, जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किसके द्वारा आगे बढ़ाना है, ये हमें कौन सिखाता है, सूचना। तो कहते हैं कि सूचना हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें आगे का मार्ग दिखाती है, इसी के द्वारा हम आगे कार्य करते हैं। तो ये था हमारा ज्ञान एवं सूचना में अंतर। जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा सूचना की आवश्यकता, कि जब हमारे ज्ञान में इसमें अंतर है, हमारे ज्ञान में क्या अंतर है। अब हमारे हम आगे देखेंगे कि सूचना का हमारे जीवन में सूचना हमारे लिए आवश्यक क्यों होती है, सूचनाओं का इतना क्या महत्व होता है हमारे जीवन में कि हम उन्हें प्रयोग में लेते हैं। अभी मैंने आपको इतना सूचना के लिए बताया कि अगर हमारे पास सूचना ना हो, सबसे सीधा सत्य शब्द है कि अगर हमारे पास सूचना ना हो तो क्या हम बिना सूचना के हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, सूचनाओं के आधार पर। बिना सूचना के कभी भी सूचनाओं का महत्व इतना अधिक है कि सूचना के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बिना सूचना के ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता है, असंभव होता है। टॉपिक है हमारा सूचनाओं की आवश्यकता या महत्व। सूचना की आवश्यकता व महत्व, कि हमें इसमें क्या महत्व है। हम सिंपल तौर पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगी कि हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, दूसरे देश में क्या घटित होता है, ये सूचनाएं कहते हैं कि एक तरीके से हमें आंतरिक सूचनाएं भी किसके द्वारा प्राप्त होती है। अगर हमारे हमें ये आंतरिक सूचना हमारे देश की या दूसरे देश की अगर हमें जो सूचनाएं प्राप्त नहीं हो तो क्या हमारे देश में जो हमारे प्रशासन है क्या वो कार्य कर सकता है। हम दूसरे देश की खबर रखने के लिए एक हम खुफिया एजेंसी रखते हैं, वो एजेंसी हमें क्या करती है, दूसरे देश से सूचना देती है, हमारे देश की वो लोग लेते हैं क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ यही कार्य करते हैं। तो कहते हैं सूचनाओं का देश के साथ भी इतना आदान प्रदान होता है कि देश में जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो भी हमारे बिना सूचना के संभव नहीं होती। हमें किस तरीके से हमारे जो क्रियाएं करनी होती है, क्या करना है, किस तरह से देश का शासन चला रहा है, ये सारी सूचनाएं आती हैं। हम सिंपल तौर पे देखें कि हमारी सूचना हमें हमारी कितनी सूचना जो हमें न्यूज़पेपर से मिलती है, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं रहता। आज हम देखें कि हमारा रिजल्ट आ रहा है उसकी भी सूचना हमें कहाँ मिलती है, पेपर में। तो कहते हैं बिना सूचनाओं के जीवन चलना असंभव है, यानी हर कार्य हम सूचनाओं के माध्यम से करते हैं, बिना सूचना के हम कोई भी कार्य नहीं करते। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखें कि अगर हम कोई भी विषय से संबंधित, कहते हैं सूचना हमारा क्या करवाता है, हमारे विषय से संबंधित समस्या के विषय में बताता है। यानी कि हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, विषय के द्वारा। यानी कि हम पहले विषय चयन करेंगे कि हमें कार्य करना। अब जब हमने जो विषय ले लिया है, अब उस विषय के में हमें कार्य करने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो समस्याओं का हमें किससे पता चलता है, सूचनाओं से। जब हम कार्य करना शुरू करेंगे तभी हमारे सामने आने वाली समस्याओं का हमें ज्ञान होता है और हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, विषय से संबंधित कार्य करते हैं, तो सूचनाओं के माध्यम से हम उन समस्याओं को दूर करते हैं। उसके लिए विभिन्न विभिन्न सूचनाएं हम तैयार करते हैं। सेकंड करें हम इसमें कि जो हमारी देश से आंतरिक रूप से जो संचालित क्रियाएं होती है उनका क्या करते हैं, हमें पता चलता है। यानी कि आंतरिक देश की
देश में संचालित आंतरिक क्रियाओं के बारे में पता चलता है। किसके द्वारा? सूचनाओं के द्वारा। यानी कि दूसरा देश क्या पता है या हमारा देश क्या कर रहा है। कई बार हमारे पास बहुत बार हमारे टॉपिक होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो आज हम जो पाकिस्तान से हमारे जो व्यवहार है, हम कारगिल युद्ध जीते हैं, हम कोई भी युद्ध करते हैं तो पहले क्या करते हैं हमारे देश की सेना या हम कहें हमारे देश के प्रशासन जो होता है, वो पहले ये कहते हैं कि दूसरे देश क्या करने वाला है या उनको क्या करने जा रहा है, हम उनकी सूचनाओं को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं उसके आधार पर हम भी हमारी पहले की तैयारी करते हैं। अगर हमें हमारा कार्य करना है तो हम प्री प्लानिंग कहाँ से तैयार करेंगे कि जब तक हमें सामने वाले से ये इन्फॉर्मेशन ना मिले कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि हम जो आंतरिक क्रियाओं को संचालित करते हैं उसके बारे में भी हमें किसके माध्यम से पता चलता है, सूचना के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जब हम जो कहते हैं कि हमारी सूचना क्या होती है, सूचना का निर्णय किसी भी विषय के संबंध में निर्णय किसके आधार पर लेते हैं हम, जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम फैसला या परिणाम लेते हैं वो किसके आधार पर लेते हैं हम, सूचना के आधार पर कि हमें आगे क्या कार्य करना है, हमारा क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, ये हमारा किसके माध्यम से पता चलता है, हमारे सूचनाओं के माध्यम से। इस सूचना के माध्यम से ही हम जो हमारा परिणाम है वो लेते हैं। अब इसमें क्या कहें कि जो वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं इसके लिए कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए सूचना महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद में यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो हम कहते हैं रिसर्च के लिए हम जाते हैं, तो आपने देखा है कि हम किसी चीज के लिए रिसर्च करने जाते हैं तो उससे संबंधित विभिन्न बुकें निकालेंगे, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, उससे संबंधित नेट पे उनको सर्च करेंगे, या फिर हम कहें कि अगर वो टॉपिक किसी उससे रिलेटेड कोई दूसरे व्यक्ति के पास अगर वो टॉपिक रहे तो हम उसके पास भी जाते हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि हम बहुत सारी सूचनाएं उसके बारे में एकत्रित करते हैं। अब पांचवा देखें हम कि जो हमारा विषय होता है, कहते हैं कि हम जो वैज्ञानिक विषय विशेषज्ञ अपना ज्ञान सूचना के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी कि पूरा ज्ञान हम इसके माध्यम से लेते हैं कि हमें हमारे विषय के बारे में ज्ञाता कब होगा, वो विषय विशेषज्ञ ज्ञाता जब वो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेगा। हम कहते हैं कि अगर हम अपना विषय पढ़ाने अगर क्लास में जाते हैं, अगर उस विषय के बारे में हमारी सूचनाएं अधूरी होती है और कोई बच्चा जो स्टूडेंट अगर हमसे उस चीज के बारे में बताता है और हम उसे नहीं बता पाते हैं किसी चीज के बारे में, तो कहते हैं कि वो बच्चा भी सोचेगा कि टीचर का ज्ञान अधूरा है। अर्थात बिना सूचना के, सिंपल भाषा में हम कहें कि बिना सूचना के हमारा हमेशा ज्ञान अधूरा रहता है। जब तक हम सूचनाओं को पूरी तरह से सूचना नहीं लेते हैं किसी विषय के बारे में तो हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि विषय विशेषज्ञ अपना ज्ञान किसके माध्यम से लेते हैं, सूचना के माध्यम से वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें ये कहें एक सिक्स पॉइंट कहते हैं हम कि सूचना क्या होती है, हमारी उपाधेयता के कारण सूचना की उपाधेयता
देवता के कारण कारण इसे शक्ति की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम कहें कि सूचना में कौन सी शक्ति है? उपादेयता की, अर्थात उपयोग की। हम कहें कि सूचना ऐसी होनी चाहिए प्रभावी कि उसे हम प्रत्येक कार्य में काम में ले सके। अगर हमारी सूचना उपयोग के लिए नहीं होगी तो हम उसे क्यों देखेंगे? तो हमेशा जो सूचना की शक्ति होती है वो उसकी उपादेयता पर निर्भर होती है, अर्थात उसके उपयोग पर निर्धारित होती है कि वो किस तरह से उसको उपयोग करने लायक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कि ज्ञान, जो मैंने पहले आपको बताया ज्ञान और सूचना में अंतर, फिर मैंने आपको बताया कि ज्ञान का जो हमारी सूचना का है उसका हमारा क्या महत्व है। नेक्स्ट वीडियो में आज जो हमारा सूचना का टॉपिक है वो हमारा सूचना का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद में हमारे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं शुरू करूंगी। जो आप अपना ये कार्य जो भी आपको वीडियो में आपको नोट्स मैंने लिखवाए हैं वो नोट्स आप अपनी कॉपी पर लिखें। धन्यवाद।